हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूली और हरी मिर्ची का टेस्टी सा चटपटा सा अचार, जो ये सालों साल ख़राब नहीं होता है। बिना धूप में सुखाए हुए अचार हम एकदम परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने मूली को छील के और इसको अच्छे से वॉश करके मैंने 7-8 घंटे के लिए धूप में सुखा दिया था, और इसका पानी अच्छे से सूख चुका है। और फिर इसमें हम हरी मिर्च रखेंगे और इसमें अदरक के टुकड़े डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है और 2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा चटपटा अचार बनाना है। तो मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग। तो इसका क्या है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो हींग डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी, जो काला जीरा बोलते हैं, तो ये मैंने डाला है। और 1/2 छोटी चम्मच इसमें डाला है हल्दी पाउडर, तो इससे अचार ख़राब नहीं होता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। और 1/2 छोटी चम्मच इसमें मैंने साबुत सौंफ डाली है, और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाली है राई को पीस के, और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच ये डाला है। इससे क्या है, थोड़ा खट्टापन आता है अचार में। तो अब इसको मिक्स करेंगे, तो अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, तो यहाँ पर आप सरसों का ऑयल लेना, मेरे पास सरसों का तेल नहीं था, तो मैंने यहाँ पर जो रिफाइंड ऑयल होता है वो लिया है। तो इसको पहले मैंने गर्म किया था, गर्म करने के बाद, ठंडा होने के बाद इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। अगर आप गर्म डालेंगे तो मसाला जल जाएगा, तो थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा ठंडा करके ही डालेंगे। और इसे लगातार इस तरह से मिक्स करेंगे कि अच्छे से इसमें ऑयल लग चुका है। तो हमें इतना ही ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और आप इसे बनाते ही तुरंत ही खा सकते हैं, तो ये बनते ही मिनटों में तैयार हो जाता है। तो ये एकदम आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना। और आप इसे बनने के बाद आप इसे कांच के बर्तन में डाल के और इसे कवर करके रख सकते हैं। ये सालों साल अचार चलता है, ख़राब भी नहीं होता है। और सर्दियों में तो ये अचार इतना परफेक्ट टेस्टी लगता है कि आप जब भी बनाएंगे बनाते ही ख़त्म हो जाएगा फटाफट। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारे मूली और हरी मिर्ची का अचार कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।